Hey my lovies, welcome back to my channel that OwnStyle Shree. Hope you all are doing very good. So in this video I'm sharing this day party makeup look with you guys. So if you are interested to know how I create this look, then keep on watching. But before start the video, make sure you subscribe my channel with bell button. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट राइट नाउ. इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, आपको उसे हिट करना है. एंड उसे हिट करते ही पास में एक बेल का आइकन भी आ जाएगा, आपको उसे हिट करना है. उसे हिट करते ही थ्री ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले मैं स्टार्ट करूँगी प्राइमर से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. मैं हर वीडियो में ये बताती आ रही हूँ. इफ़ यू डोंट हैव एनी फेस प्राइमर देन यू कैन अप्लाई एलोवेरा जेल. और यहाँ पर भी मैंने गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल लिया है. सो देन फॉर फाउंडेशन मैं यहाँ लगा रही हूँ मेवलिन फिट मी का फाउंडेशन. इसे मैं अपनी पूरी फेस और नेक पे अप्लाई कर लूँगी फर्स्ट डॉट मोशन में. देन इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. एंड गाइस टेक योर टाइम, बट मेकअप का पूरा जो फंडा है वो होता है ब्लेंडिंग. अगर आपकी ब्लेंडिंग परफेक्ट होगी देन आपका मेकअप एकदम सुपर हिट रहेगा, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगा. सो देन फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग हियर ब्लू हेवन मेकअप स्टिक. दिस अ वाटर प्रूफ मेकअप स्टिक एंड गाइज ये हाई कवरेज देता है. सो इससे मैं अपनी आई लिड, अपनी फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, अपनी माउथ एरिया के पास, अपनी अंडर आई एंड जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी. देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसे ब्लेंड कर लूँगी. सो या मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है. सो देन कंसीलर को सेट करने के लिए मैंने यहाँ लिया है स्ट्रे कोयरे का कॉम्पैक्ट. इसी के साथ जो स्पंज आता है मैं इसी से पहले बेक कर लूँगी जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था. सो देन मैं आईलिड को जो मैंने बेक किया था उसी स्पंज की हेल्प से मैं जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा मैं उसे डस्ट कर लूँगी. सो या आई एम डन. सो अब मैं ले रही हूँ स्ट्रेक कोयरे की कॉन्टोर स्टिक एंड इससे मैं कॉन्टोर नहीं करूँगी. इसे एक ब्रश के हेल्प से लेकर मैं अपनी लिड पे प्लेस करूँगी. सो एंड गाइस दिस इज अ सॉफ्ट आई मेकअप लुक एक्चुअली. सो देन मैं इसे फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एज यू कैन सी. अगेन जस्ट ब्लेंड. मेकअप नाउ पूरा ब्लेंडिंग का गेम होता है. सो देन यहाँ मैं ले रही हूँ स्ट्रे कोयरे का आई शेडो पैलेट और वहाँ से ये ब्रॉन्ज शेड लेकर एंड दिस इज सिमरी वॉन्ड. इसे लेकर मैं जहाँ मैंने ब्लेंड किया था वो शेड को वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी. एंड एज यू कैन सी बहुत ही ब्यूटिफुल शेड है ये. सो डे टाइम पार्टी मेकअप के लिए आप इतना हैवी आई मेकअप अच्छा नहीं लगता. सो दिस इज अ सिंपल वन एंड वेरी ब्यूटिफुल. देन यहाँ मैं ड्रॉ करूँगी एक्चुअली नॉट आई मीन विंग लाइनर नहीं है, थिक विंग लाइनर तो नहीं है बट क्या छोटू सा विंग होगा एंड बहुत ही थिन लाइन में ड्रॉ करूँगी. देन यहाँ मैं कोई भी काजल अप्लाई नहीं करूँगी एंड कोई भी फॉल्स आईलेसेस अप्लाई नहीं करूँगी. मैंने अपनी आईलेसेस को कर्ल कर लिया था आईलेस कर्लर की मदद से. देन यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ क्या है ये लैक्मे का आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा. सो यहाँ मैं हैवी अप्लाई किया है मस्कारा. सो देन सेम पाउडर लेकर स्ट्रेट कोयरे का कॉम्पैक्ट से मैंने पाउडर ब्रश की हेल्प से पूरी फेस और नेक को सेट कर लिया है, ईयर को भी. मैं अपनी आईब्रो को भूल गई थी एक्चुअली. सो अभी मैं सेम कर रही हूँ, अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी, जस्ट गैप्स को थोड़े थोड़े फिल कर लूँगी. देन स्पूल की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी. देन
लोरियल की ब्रॉन्जर से मैं अपनी फेस पे थोड़ा कलर आर्ट करूँगी, क्योंकि डे टाइम के लिए ऑब्वियसली ये आपको एक सन किस्ड लुक देगा, विच इज़ वेरी प्रिटी एक्चुअली। सो मैं अपनी फेस को, नोज, अपनी चिन को, अपनी नोज को, चिन को, अपनी जॉ लाइन को, ओ गॉड यार, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ आई डोंट नो व्हाई मुझसे इतनी ज़्यादा गलतियाँ होती है ना। ओके, सो मैंने अपनी नोज को कॉन्टोर कर लिया है, अपनी जॉ लाइन को कर लिया है, अपनी फेस को कर लिया है। देन यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ मोडा का ब्लशर, दिस अ पिची पिंक कलर एंड दिस अ मैट वन। सो या, सो देन यहाँ मैं स्टे कोरिक की हाईलाइटर, लिक्विड हाईलाइटर ले रही हूँ। इससे जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करती हूँ वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी। एंड आज मैं अपनी ब्राउन को हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। सो चाहे डे टाइम हो चाहे नाइट टाइम हो, पार्टी है ना, देन हाईलाइटर को हम स्किप नहीं कर सकते। सो इससे मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी बहुत ही अच्छे से, जस्ट ब्लेंड 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 ब्लेंड। पूरा मेकअप ना ब्लेंडिंग के ऊपर ही डिपेंड है, अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करोगे देन कुछ अच्छा नहीं होगा। ओके, सो मैंने थोड़ा सा मेकअप फिक्सर लिया है स्पंज में एंड उससे मैं अपनी पूरी फेस पे डैप डैप कर लूँगी। मैंने लिया था मेरा डी आई वाई मेकअप सेटिंग स्प्रे। देन यहाँ मैं लिपस्टिक के लिए लिया है स्टे क्विरी, दिस इज साइज स्टाइल लिपस्टिक है ये। सो इसे मैं बहुत ही हैवी नहीं करूँगी, जस्ट वन स्ट्रोक ही मैं अप्लाई करूँगी। देन मैं वही जो ब्रॉन्जर मैंने लिया था लोरियल का, उसी से मैं कलर लेकर, वही ब्रॉन्ज कलर लेकर मैं अपनी लैश लाइन पे, लोअर लैश लाइन को थोड़ा सा स्मच करूँगी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस, दिस द परफेक्ट ग्लैम डे पार्टी मेकअप लुक। सो आई रियली होप ये लुक आपको पसंद आया है। सो अगर ये लुक आपको पसंद आया है देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, जो कि आप भूल जाते हो। एंड गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है देन इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, विद एवरी वन। एंड गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड प्लीज़ लास्टली, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल बटन, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। सो ओके, सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।